हेलो फ्रेंड, मेरा नाम सुमित मौर्य, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं फ़ोन से सिम में और सिम से फ़ोन में। और साथ ही ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से जो आपने SD कार्ड में बैकअप ले रखा है या फ़ोन स्टोरेज में बैकअप ले रखा है उसको कैसे इम्पोर्ट करेंगे अपने फ़ोन में। और साथ ही ये भी बताऊँगा कि आप कैसे जीमेल में उसको यहाँ पर बैकअप कर सकते हैं या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट देखने के लिए मिलते रहें। और चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। तो चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फ्रेंड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैंने जैसे कि आपको बताया कि आपका जो SD कार्ड में यहाँ पर बैकअप ले रखा है, उस बैकअप को आप रिस्टोर कैसे करेंगे, इंपोर्ट कैसे करेंगे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो इस बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये दिखाई दे रहा है आपके, मैंने कॉन्टैक्ट फिर से खोल के दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं आ रही है, फ़ोन पर जा रहा हूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिस्ट कोई नहीं है, तो हमें जो हमारे कॉन्टैक्ट हैं तो उसको क्या होता है, जब हम मोबाइल कभी रिस्टोर वगैरह करते हैं तो उसको हम बैकअप करके रख लेते हैं और बाद में हम जब अपने मोबाइल को कंप्लीटली यहाँ पर रिसेट कर लेते हैं उसके बाद हम दोबारा से कॉन्टैक्ट हमें चाहिए होता है जीमेल में होता है तो वो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आ जाता है, लेकिन उसमें नहीं है तो आप उसको मैनुअल कैसे ही रिस्टोर करके अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में लाएंगे, तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जैसे आपको कॉन्टैक्ट लिस्ट में दिखाया या नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है और आपको नीचे आ जाना है। अगर आप चाहें जो भी फ़ोन करते हैं वीवो ओप्पो या किसी भी कंपनी का फ़ोन यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर सेटिंग में ये ऑप्शन मिल ही जाएगा, नहीं मिलता है तो आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में मिल जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट में ऑप्शन नहीं होता है तो आपको उसके लिए सेटिंग में ही देखना पड़ता है। तो सेटिंग में आप कहाँ देखेंगे, उसके लिए आप स्क्रॉल करेंगे ऊपर से नीचे के लिए और आपको सबसे नीचे सिस्टम ऐप्स दिख जाएंगे और उस पर आपको क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग में आपको यहाँ पर कॉल से लेकर कॉन्टैक्ट मैसेज फ़ोन मैसेज जो भी आपको कैमरा की सेटिंग वगैरह है बैदर से लेकर सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो लेकिन मैं अभी आपको कॉन्टैक्ट का बताने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इस तरह से दिख जाएगा इंटरफेस, इसका आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर नेम बार यहाँ पर ऊपर आ रहा है, उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कॉन्टैक्ट का आ रहा ऑप्शन, सिम कार्ड कॉन्टैक्ट, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जा रहे हैं। बाकी आप मैनेज कॉन्टैक्ट वगैरह सब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दूसरे ऑप्शन पे यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको ऑप्शन दिखाई देने लगेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, इंपोर्ट फ्रॉम अदर फोन्स, तो आपको यही भी जैसे मैंने बताया आपको फ़ोन से और स्टोरेज से SD कार्ड से आप कैसे उठाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको स्टोरेज डिवाइस वगैरह दिखा रहा है, एक्सपोर्ट भी करने का ऑप्शन मिल जा रहा है। तो इसके लिए मैं जो स्टोरेज में हमने बैकअप ले रखा है उसके लिए सबसे पहले ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज, तो इस ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपको यहाँ पर आपका जीमेल आईडी का ऑप्शन और यहाँ पर फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपने फ़ोन में पहले से ही रख रखे हैं आप उसको चाहते हैं जीमेल में कॉपी करें या आप उसको फ़ोन सिम में कॉपी करें तो आपको यहाँ पर जैसे भी आपका कॉन्टैक्ट रहता है, जैसे कि आपका सिम में होता है तो सिम का भी ऑप्शन यहाँ पर आता, अभी फ़ोन में है और गूगल में है तो जो भी आपकी ईमेल आईडी पर है उसको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मुझे जो कॉन्टैक्ट कॉपी करने हैं इंपोर्ट करने हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ पर फ़ोन पे क्लिक किया मैंने और फ़ोन से मैंने जैसे क्लिक किया तो जो फ़ोन के स्टोरेज में है इसलिए मैंने इसे फ़ोन पे क्लिक किया है। अभी हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आपको SD कार्ड से यहाँ पर इम्पोर्ट करना है तो उसके लिए आपको फ़ोन और ये जीमेल का ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर जैसे फ़ोन पर क्लिक करते हैं इंपोर्ट फ्रॉम स्टोरेज से तो उस पर आपको कॉन्टैक्ट जो भी आपने बैकअप लिया उस समय आपको याद होगा कि क्या नाम लिखा था, तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट का आपको पहचान के लिए कॉन्टैक्ट जरूर होता है उस पर लिखा हुआ, किस डेट को लिया आपने वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं तीसरे नंबर पर यहाँ पर कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और इस पर मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद आपको इस पर कुछ नहीं करना है, बाकी को आप ध्यान रखना है बाकी पर क्लिक नहीं होना चाहिए और कॉन्टैक्ट पर ही आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आप देखेंगे ग्रीन कलर में यहाँ पर आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट इंपोर्ट पर क्लिक करना है और इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेस चालू हो जाएगा और यहाँ पर इंपोर्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। कैंसिल चाहे कर सकते हैं लेकिन आपको कैंसिल नहीं करना है जब तक कि ये कम्प्लीट नहीं हो जाता है, और कम्प्लीट होने के बाद आपकी जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है आपके कॉन्टैक्ट
लिस्ट में आ जाएगी और आपको जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे दिखाई देने लगेंगे। और यहाँ पर इसके लिए ये फ्यू टाइम लेता है, उसके बाद ये आपके जो भी कॉन्टैक्ट है जो भी आपने बैकअप किए थे वो सारे आ जाते हैं। तो यहाँ शॉर्टली आ जाते हैं, यहाँ पर आपको एक अलर्ट दे रहा है मैसेज, डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट डिटेक्टिंग इन कॉन्टैक्ट्स। तो उनको क्या करना है, आप मर्ज कर सकते हैं, मर्ज का ऑप्शन है, नहीं चाहते आप कि आपका नंबर मिस हो तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ से जाके डिलीट करके आप उसको मर्ज कर सकते हैं। और नहीं तो आपको मर्ज करना है तो यहाँ पर मर्ज का ऑप्शन है, डायरेक्टली यहाँ पर मर्ज पे क्लिक कर देंगे और जो आपके कुछ यहाँ पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, दो नंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मैं उनको यहाँ पर नीचे आपको साइड में है मर्ज का ऑप्शन, मर्ज कर देता हूँ और ये दोनों कॉन्टैक्ट नंबर एक ही नाम में आ चुके हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, आप नेक्स्ट कर देना है, बाकी आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है। तो यहाँ मर्ज मैनुअली यहाँ का ऑप्शन आपको दिखाई दे रखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ डुप्लीकेट कॉन्टैक्ट हैं। तो यहाँ पर इनको मैं बैक कर देता हूँ, मैनुअली चेक करके सही कर लूँगा और आप भी सही कर सकते हैं। क्या होता है कभी कभी नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, मिस हो जाते हैं, उसको आप मैनुअली से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट में हमारे जो हमने यहाँ पर रिस्टोर किया उसको इम्पोर्ट किया अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में, तो अभी आए हैं नहीं आए हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट में फिर से जाना है। और देखिए आप जैसे यहाँ देख रहे हैं, आपको यहाँ पर लिस्ट दिखाई दे रही है और साइड में आपको ABC वगैरह यहाँ पर पूरा अल्फ़ाबेट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी जिस नाम से आप डायरेक्टली चेक कर देंगे, इससे पहले को यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और आपके यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर दिखे जाएंगे, आप कितने कॉन्टैक्ट आपके हो चुके हैं, तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ऊपर नीचे करके आप पूरा देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे कॉन्टैक्ट हैं, तो यहाँ पर उनका नाम आ रहा है, तो ये लिस्ट पूरी आ चुकी है। तो आप इस तरह से ही अपने जो भी कॉन्टैक्ट हैं उन्हें यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर इम्पोर्ट करने के बाद आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो वापस आ चुकी है और ज़्यादा भी आपके कॉन्टैक्ट थे वो कम्प्लीटली आपको बैकअप हो चुके हैं और आप उसे रिस्टोर कर चुके हैं। तो यहाँ पर इसी तरह से आपको यहाँ पर अपने जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको रिस्टोर कर लेना है। तो फ्रेंड मैं आपको जाते जाते बता दूँ कि आपको कॉन्टैक्ट को एक्सपोर्ट कैसे करना है। इम्पोर्ट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो फाइनली मैं लास्ट में जाते हुए आपको ये भी बता देता हूँ कि एक्सपोर्ट आपको कैसे करना है। तो आपको सेम उसी तरह से सेटिंग में आना है और आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की सेटिंग में यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना है और आपके यहाँ पर जो आपको एक्सपोर्ट स्टोरेज डिवाइस, तो आपको जहाँ पर भी सेंड करना है या सेंड करना है आपको कॉन्टैक्ट, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। पहले एक्सपोर्ट के बारे में बता देता हूँ। एक्सपोर्ट आपको जहाँ पर भी करना है, चाहे आपको अपने जीमेल आईडी में करना है, व्हाट्सएप करना है, मैसेजर को करना है, या आपको फ़ोन या जो भी जिस जगह पर आपको करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ करना क्या होगा, अगर आपको आपकी जीमेल आईडी पर करना है या फ़ोन में करना है, तो जैसे कि मैं बैकअप के लिए बता दूँ आपको स्टोरेज जहाँ पर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऑल कॉन्टैक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑल कॉन्टैक्ट पर आप एक्सपोर्ट कर दीजिए। ऑल कॉन्टैक्ट में क्या होगा कि वो आपके फ़ोन स्टोरेज में यहाँ पर आपकी एक कॉन्टैक्ट की फाइल बन जाएगी और आप फ़ोन में करते तो वो फ़ोन में रहता, इसमें क्या होता है रिस्टोर वगैरह हो जाता है तो जो डाटा है वो चला जाता है, इसलिए मैं इसको फ़ोन स्टोरेज में कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको बैकअप दोबारा से मिल जाएगा, आपको फाइल को कहीं भी सेंड कर सकते हैं और दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पूरे वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड लगेंगे, कॉन्टैक्ट हैज़ बीन एक्सपोर्टेड, तो यहाँ पर आपका जो कॉन्टैक्ट है बैकअप हो चुका है और आपको यहाँ पर सेंड करना चाहते हैं तो सेंड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं सेंड के लिए बताया, तो दूसरा ऑप्शन डायरेक्ट वहाँ से भी जा सकते हैं, डायरेक्ट सेंड भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, व्हाट्सएप मिलता है, सेव से करें आप जिससे चाहें, तो गूगल ड्राइव में भी आप उसे सेव कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, तो आप अपने चॉइस के अनुसार उसको सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको यहाँ पर वीडियो में जो मैंने यहाँ बताया है तो सारी डिटेल आपको पता चल गई होगी कि आपको इंपोर्ट कैसे करना है, एक्सपोर्ट करना कैसे करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और मैं मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। इसी तरह के मैं वीडियो आपको लेकर आता रहता हूँ और आपको और भी हमारे ऐसे इस तरह के वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहाँ पर आपको हमारे वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे वीडियो को चेक कोई भी आपका अपना यूजफुल वीडियो देख सकते हैं। चलो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।